मस्त का भी सेक करो, प्रभु का अम्मी सेक करो, भक्ति की गंगा बह रही है। पुष्प दंत प्रभु की उदक चंदन तंदुले पुष्प कई, चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई, नवल मंगल गाने रवा कोले, जिन ग्रही जिन नाथ माम यजे। ओम रीम भगवान जी की। प्रथम कलशाभिषेकम करो मी नमो रते हरगम नरोपामिति स्वाहा। और इसके बाद श्री पुखराज जी जैन, श्रीमती अनोप देवी जैन पंड्या परिवार भगवान के मस्तक पर अगला कलश लेकर के तैयार रहेंगे और द्वितीय कलश भगवान के मस्तक पर प्रारंभ करेंगे। दूसरा कलश दुरावनम रे सूर्यनाथ कीरीट कोटि, संलग्न रत्न किरण विदूषिरांग्रिम, प्रश्वेद ताप मल मोक्तमपी प्रकृष्टैर, भक्त्यार्जलैर्जिन पतिम बहुधा विसिंचे। ओम रीम श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे जं जं ह्रीं क्षीं हं सा त्रैलोक्यस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। बोलो भगवान के मस्तकाभिषेक महामहोत्सव की। सुदूप फलार्घ्य कई नवले मंगल गाने रवा कोले, जिन ग्रही जिन नाथ महम यजे। ओम रीम भगवान जी के मस्तक पर जलाभिषेकम करोमि नमो रते हरगम नरोपामिति। और अब तृतीय कलश लेकर के तैयार है श्री पुष्प दंत जी जैन सर्राफ गोरखपुर वाले। और इसमें प्रथम कलश लेने का सौभाग्य हमारे दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता वालों को प्राप्त हुआ है। इनका नाम हमेशा के लिए काकंडी तीर्थ क्षेत्र के शिलालेख पर अंकित रहेगा। शिलालेख शीघ्र ही एक सप्ताह के अंदर वहां लग जाएगा। हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने ये सौभाग्य कलकत्ता में बैठ करके प्राप्त किया। अगर ये कोरोना वायरस का वातावरण नहीं होता तो स्वयं आकर के और गोरखपुर से पहुंच करके काकंडी में ये अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा वातावरण संसार में बन गया है कोरोना के कारण कि आने में लोगों को डर लगता है। इसलिए हमारे अजित भाई को, हमारे पांडे अजित कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद कि उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके सौभाग्य की मैं सराहना करता हूं। आपके धर्मपत्नी आपके साथ में है, बहुत सुंदर दृश्य है। मौका लगने पर जब भी समय होगा 2-4 महीने बाद आपको अवश्य काकंदी आना है और अपने हाथों से भी अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त करना है। ऐसी हमारी ओर से मंगल प्रेरणा है आपको। आज हम लोग आपकी ओर से कलश कर रहे हैं। हमारे संस्था के काकंदी तीर्थ के पदाधिकारीगण जो गोरखपुर के हैं, हमारे अयोध्या के मनोज जैन मैनेजर, हमारे काकंदी के बसंत जैन मैनेजर, सब लोग वहां पर हैं। श्री महावीर जैन जो हमारे इस काकंदी तीर्थ के सदस्य हैं, रोहित जैन जो इसके सदस्य हैं, और भी सदस्यगण वहां पर, हमारी कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण वहां पर अभिषेक आपकी ओर से कर रहे हैं। अब दूसरा कलश श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या उनकी ओर से होगा। दूसरा कलश करिए श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय कुमार जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, समस्त पांड्या और छावला परिवार गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ओर से ये द्वितीय कलश आज के शुभ अवसर पर भगवान के मस्तक पर किया जा रहा है। बड़े घड़े से करिए, बड़े घड़े से, बड़ा घड़ा ले लीजिए और बड़े घड़े से दूसरा कलश करिए। जल से मस्त का भी सेक करो, क्षीरो दधि के जल से मस्त का भी सेक करो,
श्री पुष्पदंत प्रभु का मस्तकाभिषेक करो, क्षीरोदधि के जल से मस्तकाभिषेक करो। काकंदी नगरी में यह मंगल अवसर है, जानू तन मंदिर में नामे तीर्थंकर उन तीर्थंकर पद में वंदन सिर टेक करो, क्षीरो दधि के जल से मस्त का अभिषेक करो। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। भगवान पुष्पदंतनाथ का अभिषेक चल रहा है, ये द्वितीय कलश जिनकी ओर से है, गोरखपुर के निकट ही चरगावा में वे रहते हैं। श्रीमती अनुपबाई जैन पुखराज जी पांड्या के परिवार की ओर से चल रहा है और इस मंगल कलश के चलते एक सुंदर सा नृत्य भी, भक्ति नृत्य आप सब देखें। कुमारी भारती जैन और उनकी टीम के द्वारा दरियाबाद उत्तर प्रदेश से ये भक्ति भी बहुत अटेंटिव होकर के सब टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं और काकंदी से भगवान का अभिषेक देख रहे हैं। आप सब जो भक्तगण अभिषेक देख रहे हैं, और भी भक्तों को पुण्य अवसर प्रदान करने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा उन लोगों को भी प्रेरित करें कि शुक्र ग्रह का अरिष्ट निवारण करना है। काकंदी से आज भगवान पुष्पनाथ का यह अभिषेक 10 साल के बाद हो रहा है, उसको जरूर जरूर देखें। ऐसा आप लोगों को भी प्रेरणा देकर पुण्य की प्राप्ति करें। तो एक भक्ति नृत्य होगा, अभिषेक चल रहा है, भक्ति नृत्य हो रहा है। पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। काकंदी तीर्थ की जय। अब
त्रिजी कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री राजेश्वरी देवी, कैलाश चंद जैन, निर्मला देवी जैन, मोहित जैन, प्रियंका जैन, मंत्रा जैन कत्थे वाले कानपुर उत्तर प्रदेश, इन्होंने तीसरा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कलश करें वहां पर हमारे प्रतिनिधि लोग, करिए कलश, करिए तीसरा कलश, तृतीय कलश। महावीर जी करिए, हाँ तृतीय कलश। श्री राजेश्वरी देवी, कैलाश चंद जैन, निर्मला देवी जैन, मोहित जैन, प्रियंका जैन, मंत्रा जैन कत्थे वाले कानपुर की ओर से हो रहा है। अगला कलश, चतुर्थ कलश, श्री पुष्पदन जैन सराफ गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो हमारे काकंदी तीर्थ की जो कमेटी है उसके कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने चतुर्थ कलश 51,000 रुपये की राशि में लेकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये भी बताना है कि आज जो वहाँ पर भंडारा रखा गया है, प्रीति भोज रखा है हमने ग्रामवासियों के लिए और जितने भी जैन बंधु आए सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, वो श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी जैन पांड्या और उनका परिवार, श्री मनोज कुमार, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, समस्त पांड्या परिवार, छावड़ा परिवार की ओर से आज ये व्यवस्था की गई है और उन्हीं के परिवार की ओर से आज रिंकू जैन, श्रीमती रिंकू जैन, धर्म पत्नी धर्मेंद्र सेठी दिल्ली, इनका जन्मदिन का है, उन्होंने 27 रुपए का कलश लिया है, उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब एक कलश 11,000 रुपए की राशि का, श्री बिमल जी सरावगी, सत्यवंती जैन, गिरिडीह झारखंड, जो समय शिखर के निकट में गिरिडीह है, इन्होंने कलश प्राप्त किया है, कलश लिया है, हमारे शांति सागर धाम जो समय शिखर में बन रहा है उसके अनंत सहयोगी हैं, उसके हमारे सदस्य हैं। और 5100 रुपए राशि के हमारे चार कलश हैं, कलश करिए ऊपर, हमारे प्रतिनिधि लोग कलश करिए। श्री विमल जी सरावगी, सत्यवंती जैन गिरिडीह की ओर से कलश करिए। स्वर्गीय श्री दूसरा कलश, स्वर्गीय श्री रतनलाल, अनूप देवी जैन, पुत्र श्री शिखर चंद जैन, कुसुम देवी, मनोज, स्मिता, कुश, सिद्धेश जैन काठलीवाल, साईवाड़ वाले जयपुर राजस्थान, इन्होंने एक कलश 51,000 रुपए की राशि का लिया है, कलश हो रहा है उनकी ओर से। अगला कलश, श्री मुकुल अंजू साह, सोहम प्रतिधि, रजत ईवा, चिंतन त्रिषा साह, कैलिफोर्निया, इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि का एक कलश लिया है, धन्यवाद। श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, अजित कुमार, इंद्र कुमार, अभय कुमार, रूप कुमार, राकेश कुमार, समस्त अजमेरा परिवार, दूलियान पश्चिम बंगाल, इन्होंने भी एक कलश 5100 रुपए की राशि का लिया है, धन्यवाद। श्री सुनील कुमार, अभिषेक सौरभ जैन, तिवरी कटनी मध्य प्रदेश, ये स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, अपने हाथों से कलश करें, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार, ज्ञाना देवी, अभिषेक राशि, प्रणति सेठी, कलकत्ता, इन्होंने भी एक कलश लिया है 2700 रुपए की राशि का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी, दिवस सेठी, रश्मि सेठी, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा अरहम सरण्या सेठी दीमापुर, इन्होंने एक कलश लिया है 2700 रुपए की राशि के कलश हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी ओर से कलश किया जा रहा है। श्रीमती किरण देवी सेठी, स्वर्गीय रामचंद्र सेठी, मातेश्वरी अनिल अरुण अशोक सेठी, दीमापुर वालों ने भी एक कलश लिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उषा, धर्म, चिराग, प्रज्ञा, पराग, रूपल, सोनम, अरहम गंगवाल, रायपुर छत्तीसगढ़, इन्होंने एक कलश लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राहुल, उर्मिला, ललित दोषी, इंदौर, गुरु भक्त परिवार, इन्होंने कलश लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुषमा, राकेश जैन, समकित जैन मेरठ, इन्होंने एक कलश लिया है, धन्यवाद। श्रीमती रश्मि विजय जैन, वैभव आकांक्षा, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली, इन्होंने कलश लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी कलश 2700 रुपए की राशि के हैं और इन्होंने 2700 रुपए प्रदान करके जो हमने घोषित किया था उसमें कलश करने का सौभाग्य लिया है। प्रति रजनी काठलीवाल, शरद राज काठलीवाल, अंशुल अभिलाषा, रेना सा जैन, रोहिणी दिल्ली, इन्होंने एक कलश लिया है। श्रीमती शकुंतला गोदा, पवन कुमार गोदा, प्रीति गोदा, अंकुर गोदा,
तिसला सिमरन गोदा शक्ति नगर दिल्ली एक कलश, श्री अशोक कुमार जैन पाटोदी जयपुर राजस्थान एक कलश, श्री रजनीश जैन दिल्ली एक कलश, श्री अशोक जैन, श्रीमती स्वर्ण लता जैन, रोहित जैन, रितेश जैन देहरादून उत्तराखंड एक कलश, श्री महावीर प्रसाद, जतन देवी, कमल कुमार, मुकेश, तपेश जैन काकरोली राजस्थान एक कलश। आपको मध्य में यह भी बताना है, ये मंदिर का निर्माण और ये जो प्रतिमा वहां पर विराजमान है जिनका अभिषेक चल रहा है, ये श्री राजकुमार जैन और श्रीमती आशा जैन बीरा बिल्डर्स परिवार दिल्ली की ओर से इस मंदिर की स्थापना, मंदिर का निर्माण, ये प्रतिमा की स्थापना, शिखर, कलशारोहण, ये पूरा कार्यक्रम, पूरा निर्माण हमारे राजकुमार जैन, श्रीमती आशा जैन बीरा बिल्डर्स की ओर से हुआ था। सामने कीर्ति स्तंभ बनाया हमने, मंदिर के सामने कीर्ति स्तंभ बना हुआ है और ये कीर्ति स्तंभ हमारे पूर्व संघपति लाला महावीर प्रसाद जैन, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम देवी जैन, उनके पुत्र रवि जैन, राजू जैन, उनके परिवार की ओर से ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण वहां पर किया गया है और उसमें भी 8 प्रतिमाएं विराजमान है। तो आज ये वैभव जो हमारा वहां पर दिख रहा है, हमें दिल्ली के भक्तों का, पूज्य माता जी के भक्तों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए आज हम उनको धन्यवाद करते हैं। इस कोरोना के कारण ये भक्तगण आज वहां नहीं पहुंचे हैं, अन्यथा हम भी जाते और ये लोग भी जाते, आज वहां पर कम से कम 1000 लोग होते, लेकिन हमने इसके लिए नहीं किया है। अब हम उनके नाम घोषित कर रहे हैं जो आज जिन्होंने प्रातः काल से अपने नाम लिखवाए हैं और कल तक जिनके नाम आए थे, वे सभी नाम अभी हम घोषित करने वाले हैं 5 मिनट के बाद। आज प्रातः से जिन्होंने अपने नाम दिए हैं वे नाम है, अब से एक चल रहा है उनकी ओर से, श्रीमती रिंकू जैन, धर्मपत्नी धर्मेंद्र सेठी दिल्ली, उनका जन्मदिन है, हमारी ओर से बहुत बहुत रिंकू जी के लिए शुभकामनाएं। श्री मुकेश जैन, पूनम जैन, दीपान जैन, स्वाति जैन, ध्रविक जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश, इन्होंने एक कलश लिया, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री मनोज कुमार, प्रिया डुकेरिया, रामगन मंडी, जिला कोटा राजस्थान से एक कलश लिया है, उन्हें भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। श्री मंजुला, जेके जैन, पीयूष जैन, सोगानी परिवार, सांगानेर जिला जयपुर, प्रताप नगर जयपुर राजस्थान से एक कलश। श्री विमल, मंजू मोदी, ईशान, दीपा, आश्व, गिनाया जैन, हिनाया जैन, नागपुर महाराष्ट्र से एक कलश। श्रीमती संतोष जैन, अरुण विजय कुमार जैन, अजय जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, ये सभी भक्तों ने 2700 रुपए की राशि के कलश लिए हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी ओर से कलश वहां पर किया जा रहा है, कलश वहां पर करते रहिए। संदीप जैन, अनिला जैन, रौनक जैन, निधि जैन जयपुर राजस्थान एक कलश। श्रुति जैन के विवाह हेतु पाली राजस्थान से एक कलश। श्री विमला बेन, रतिलाल साहा, पिनाकिन साहा, खार मुंबई से एक कलश। श्री भरतेश कलसूर परिवार, बेंगलोर कर्नाटका से एक कलश। श्रीमती शोभा रानी जैन, धर्मपत्नी सुरेश चंद जैन, कपड़े वाले, सहारनपुर उत्तर प्रदेश एक कलश। श्री भूषण कासलीवाल और उनकी धर्मपत्नी सौ रिंकू कासलीवाल, उनके पुत्र आरुष कविश और उनके मातेश्वरी अर्चना जयचंद कासलीवाल चांदवड़, और गरिमा जैन, प्रीति पाटनी औरंगाबाद का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी ओर से एक कलश। श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार, रिंकी, ललित, सोनिका, हर्षिता, वीर, भूविक समस्त बाकलीवाल परिवार, डीमापुर नागालैंड की ओर से एक कलश। स्वर्गीय सुनील कुमार, उषा रानी जैन, गौतम गौरव जैन, बनारस उत्तर प्रदेश एक कलश। श्री शंभू कुमार, तरुण कुमार, प्रीति कुसुम जैन, कोटा राजस्थान से एक कलश। सौ चारुशिला, अरुण महाजन, पुणे एक कलश। सौ शुभांगी, सुभाष चंद्र द्रवणे, पुणे महाराष्ट्र एक कलश। श्री राजकुमार जैन, लवलेश, पीयूष, महेश कुमार जैन, कोटा राजस्थान एक कलश। श्री रतनलाल, मनोज कुमार, संजीव कुमार, विजयनगर राजस्थान एक कलश। श्री कांतिलाल, भरत कुमार जी मेहता, दिल्ली एक कलश। श्रीमती स्नेहलता चांदमल, हीरा लाल जी बंडी, मुंबई महाराष्ट्र एक कलश। श्री हीरा लाल विनोद कुमार पहाड़िया, रेखा पहाड़िया, गुवाहाटी आसाम एक कलश। श्री परमचंद महेंद्र कुमार ठाकरा, चेन्नई एक कलश। अजय, पुनीता जैन, अमित पूजा जैन, अनय जैन, प्रीत बिहार दिल्ली एक कलश। श्री अशोक कुमार, शकुंतला देवी बड़जात्या, बालसोई, आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने एक कलश।
श्री मोतीलाल जी गंगवाल कूच बिहार पश्चिम बंगाल से एक कलश, इन बंधुओं को सभी को जिन्होंने आज अपने नाम लिखवाए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। श्री धर्मचंद जी, प्रदीप जी, मोहित, निष्ठा गंगवाल सपरवार बेंगलोर कर्नाटका, इन्होंने एक कलश लिखवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सौ ममता महावीर मेहता, पुत्र अभिषेक महावीर मेहता, नाते बुदे महाराष्ट्र से, जो हमारे बहन जी संघ में जो बहन जी हैं डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन, जो हमारे ये पारस चैनल की पूरी व्यवस्था देखती हैं डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन, उनके परिवार से नाते पुते महाराष्ट्र से एक कलश। डॉक्टर दीपेंद्र जैन, श्रीमती सरता जैन, राजेंद्र जैन, रुचिका जैन गोरखपुर एक कलश। श्री अरिंदे जैन मुंबई, सन आप डॉक्टर अभय कुमार जैन लखनऊ एक कलश। श्री अभिषेक जैन नवी मुंबई, डॉक्टर अभय कुमार जैन लखनऊ एक कलश। श्रीमती अंजू जैन गोरखपुर, श्रीमती बीना जैन आदिश जैन गोरखपुर एक कलश 5100 रुपए की राशि में। अंजू का श्रीमती अंजू जैन, इन्होंने 5100 रुपए का कलश लिया है। श्रीमती बीना जैन आदिश जैन गोरखपुर एक कलश। आर जैन सुनील जैन बनारस एक कलश। श्री अमित कुमार जैन गोरखपुर एक कलश। अभिषेक जैन, मुकेश चंद जैन, पूनम जैन, स्वाति जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, दिनेश जैन, दीपनेश जैन, ध्रुविक जैन, नोएडा उत्तर प्रदेश से एक कलश लिया है, इन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सब नाम आने वाले हैं, जो ये नाम बोलो। बंधुओं, हमें जो नाम प्राप्त हुए हैं निम्न प्रकार से हैं। सौ राजकला इंदरचंद गंगवाल, बाल ब्रह्मचारी श्री संजय गंगवाल डोंबिवली मुंबई। सौ पूर्वी पथिक दिव्यम अशोक ज्योत्सना जैन मुंबई महाराष्ट्र। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत मुंबई, इन्होंने एक कलश 2700 रुपये की राशि का। ये नाम जो बोले जा रहे हैं ये 2700 रुपये की राशि के कलश हैं। श्री सुरेश, अंजना, वैभव, रश्मि, श्वेता, नेहा, लब्धि, श्रुति, वंशिका जैन अजमेर। श्री संजना बेन, रतन चंद, भावना बेन, रश्मिकांत जैन, श्री किरण बेन, रोहित कुमार, कोमल मल्हार, शैली शोधन, यजश हेनी जैन परिवार अहमदाबाद गुजरात। श्री अनाया, चिन्मय, अनीश जैन के जन्मदिन पर श्री मनुज्ञा अनीश जैन की शादी की वर्षगांठ, डॉक्टर शशि हेमेंद्र चित्तौड़ा शिवानी, अनय जानवी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान। श्री आर एस जैन, श्रीमती माला जैन, श्री सौरभ राशि, अरुण मुक्ता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, श्रीमती त्रिशला जैन, श्रीमती त्रिशला जैन पुत्र श्री शशांक प्रेरणा जैन शादी की वर्षगांठ पर प्रेमपुरी मेरठ एक कलश। श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती कृष्णा जैन अजमेर राजस्थान 2700 रुपये राशि का एक कलश। प्रीति आनंद जैन, नानीमा स्वर्गीय श्री चंदनबाई मोतीलाल गांधी की स्मृति में नांदेड़ महाराष्ट्र। श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा धनावत, राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई एक कलश। श्रीमती नीलम राजेंद्र कुमार जैन, सौरभ सुचि रोचक नेहा विख्यात मनस्वी लुहाड़िया जैन आगरा 2700 रुपये राशि का एक कलश। श्री पवन कुमार पाना देवी, श्री विनय विकास विवेक वैशाली सेठी कलकत्ता पश्चिम बंगाल एक कलश। श्रीमती अंतिमा मानव जैन, आगम सिद्धांत जैन दिल्ली एक कलश। श्री अनुराग अनव अयाना अदिति रायपुर छत्तीसगढ़ एक कलश। श्री निर्मल कुमार मीरा देवी जैन अमित आसाम होटल वाले जयपुर। श्रीमती मीनल जैन, अमित सुनिधि, सुमित ईशिका निकुंज, संगीता जैन हैदराबाद बाराबंकी एक कलश। श्री कमल चंद, निखिलेश, गौरव, रितु, पारवी, अंशु जैन जयपुर एक कलश। श्री मुकेश जैन, नीलिमा निर्णय, सोनम निहित जैन सरस्वती विहार दिल्ली एक कलश। श्री अरिंजय जैन, डॉक्टर अभय जैन गोरखपुर वाले लखनऊ एक कलश। श्री अभिषेक जैन नवी मुंबई, पुत्र डॉक्टर अभय जैन गोरखपुर
लखनऊ निवासी, एक कलश श्री राजमल सिंघवी, श्रीमती शकुंतला, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन, कांदिवली, मुंबई, एक कलश श्री ज्ञानेंद्र जैन, गोरखपुर, एक कलश श्री भगवती देवी जैन, रतन राजेश, राकेश, सांताक्रूज, मुंबई, हस्ते शिवानी जैन, एक कलश श्री बसंत कुमार, बीना देवी, अतीव, दीविका, अतुल, खुशबू जैन, नालंदा बिहार, दुर्गापुरा, जयपुर, एक कलश श्री सूर्य शांता, जयपुर, राजस्थान, एक कलश श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज, कविता, हितेशी, संतोष, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी, बगड़ा, विक्रम बिहार, हावड़ा, एक कलश श्री राजेश जैन, पाटनी, रितेश क्लाथ स्टोर, भागलपुर, बिहार, एक कलश श्री अभिजीत प्रदीप शाह, पुणे, महाराष्ट्र, एक कलश श्री शोभा ऋषि नेहा पुण्यम रावका, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, एक कलश अनिल कुमार, त्रिशला जैन, बरेली, एक कलश श्री भागचंद, प्रेम भाई निगोतिया, अनिल, सुलेखा, राहुल, हीरा निगोतिया, 15वीं शादी की वर्षगांठ, जौहरी बाजार, जयपुर, एक कलश श्री प्रसन्न चंद, राजकुमारी सोगानी, श्री आशीष, सौरभ, रवि, मनित जैन, जयपुर, एक कलश श्री अजय, रूपा देवी, सिद्धांत, रारा गुवाहाटी, आसाम, स्वर्गीय कमलाबाई लिबांसा भूरे जैन, श्री प्रेमचंद लिबांसा पुसेगांव हिंगोली, महाराष्ट्र, एक कलश श्री नानक चंद जैन, धर्मपत्नी श्री कमला जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, फेज 2 दिल्ली, एक कलश श्री रानी हेमंत, ऋषभ, नेहा जैन, जयपुर, एक कलश पारसदास जैन की पुण्य स्मृति में श्री नरेश चंद जैन, गुड़गांव, एक कलश श्री ऋषभ सन्मति पाटिल, इंजीनियर CR पाटिल, पूना, महाराष्ट्र, जो कि मांगी तुंगी के अधिष्ठाता हैं, उनका एक कलश श्रीमती कामनी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जैन, पुत्र श्री अरिंजय धनंजय कुमार जैन, पुत्री ब्रह्मचारिणी कुमारी सारिका जैन, ब्रह्मचारिणी कुमारी दीपा जैन, संघस्त, दरियाबाद, उत्तर प्रदेश, एक कलश श्रीमती सुशीला देवी, JP जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, एक कलश श्री अरुण कुमार, श्रीमती निर्मला जैन, हाउज खास, नई दिल्ली, एक कलश श्री विजयलाल, राजमल कोठारी, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान, एक कलश श्री ज्ञानचंद, ललित, प्रवीण, रोमी, अंकित, अलका, शिल्पा, पूजा, रोश, अराना, तासी जैन, प्रशांत विहार, दिल्ली, एक कलश स्वर्गीय श्री शांतिलाल पांड्या, AR आसाम वाले की स्मृति में श्रीमती चंदा देवी, राजेंद्र, महावीर, ऋषि, कुशल पांड्या, गुवाहाटी, एक कलश श्री सिमरन जैन, जन्मदिन पर श्री धर्मेंद्र, रजनी जैन, अक्षय जैन, गुड़गावा, हरियाणा, एक कलश श्री हजारीमल, पन्ना कुमारी विनीत, सारिका जैन, पोस्ट कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, एक कलश श्री गोपाल सरावगी, श्रीमती सुलोचना सरावगी, कलकत्ता, एक कलश श्री ज्ञानेश, अलका, प्रशांत, आकृति जैन, बालाघाट, हस्ते अमरचंद जैन, एक कलश श्री सलोनी, प्रज्ञा, पंकज शाह, मुंबई, एक कलश श्री दिनेश कुमार, सीनू जैन, अशोक विहार, दिल्ली, एक कलश श्री आशा जैन, डॉक्टर लवकेश जैन, सुखदेव नगर, पानीपत, हरियाणा, एक कलश श्री पवन कुमार, श्रीमती विनय जैन, श्री दीपक, आरती, पूजा जैन, शालीमार बाग, दिल्ली, श्री महावीर जैन, पारस जैन, मोहिनी जैन, एक कलश प्रियंका जैन, संभव जैन, प्रभावना जैन, पारवी जैन, पुण्य जैन, टिकैत नगर, बाराबंकी, एक कलश श्री सुनील जैन, सर्राफ के सुपुत्र रोहित, शैली की शादी की वर्षगांठ के गोपल स्तुति, ईशान, मेरठ सदर के उपलक्ष में एक कलश। इस प्रकार से हमें पारस चैनल के दर्शक जो नाम भेज रहे हैं उन नामों की घोषणा यहाँ पर की गई है, और भी जो लोग अपने घर में बैठे अपने शुक्र ग्रह की शांति के लिए भगवान पुष्प दंतनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर अपनी ओर से बहुत छोटी सी राशि रखी गई है, 2700 रुपये, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं है, तो जो भी चाहें 2700 रुपये की राशि में कलश करा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं, घर बैठे आपको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। मनोज जैन, नमिता जैन, वरदान जैन, मेरठ, एक कलश संगीता जैन, अंकुर जैन, अंकित जैन, गोरखपुर, एक कलश तारामणि, रतनलाल जी, नवीन, प्रवीण, काला, कुचामन सिटी, सूरत, गुजरात, एक कलश तने, जोनम, त्रिपुल जैन, सोनम,
निपुण जैन, गर्वित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली एक कलश, विजयलाल राजमल जी कोठारी पोस्ट कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान एक कलश, श्री सुरेंद्र कुमार, ममता जैन सपरिवार कलेक्शन टाउन देहरादून, 2700 रुपये की राशि का एक कलश। समिति को, समिति से इन सभी को बहुत बहुत आभार, साधुवाद। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और अपने कलशों की घोषणा करवाते रहिए। स्क्रॉल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों को नोट करके हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करते रहिए। जय जिनेंद्र। और ध्यान दीजिएगा, दिन में 3 बजे से पुनः आप एक ऐसा दृश्य देखेंगे कि दुनिया में एकमात्र निर्मित हस्तिनापुर में जम्बो द्वीप के बीचों बीच में 101 फीट उत्तुंग सुमेरु पर्वत पर भगवान पुष्पदंत नाथ का जन्माभिषेक होगा। पहले ऐरावत हाथी पर जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणा सौधर्मेंद्र बन करके कोई भाग्यशाली भगवान को लेकर 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे, यानी जन्म कल्याणक का पूरा रूपक आपके सामने आएगा। और ऐरावत हाथी से उतरकर इंद्र 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक करेंगे। इस अभिषेक की महिमा बहुत निराली है, जिसे देखने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी अधर आकाश में खड़े होकर भगवान का जन्माभिषेक देखते हैं। और इंद्रगण तो भगवान के जन्माभिषेक के गंधोदक को स्वर्गों तक ले जाते हैं और सारे देवी देवताओं को वह गंधोदक लगा करके और महान पवित्रता की, सुख की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे दिन में 3 बजे भी आपको आना है, सायंकाल में भी कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि आज भगवान पुष्पनाथ का जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक है। पालना भी झुलाया जाएगा, रत्न वृष्टि भी होगी और बालक बालिकाएं पुष्पदंतनाथ शिशु बालक के साथ में बाल क्रीड़ा भी करेंगे। आपको सुबह से शाम तक जुड़े रहना है। 3 बजे आप पारस चैनल पर देखें और उसके बाद 6:30 बजे से जूम पर, जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें जूम के आईडी और पासवर्ड है, उसी में रोज जो आरती करते हैं, आज पुष्पदंतनाथ भगवान की आरती करेंगे। और बच्चों की बाल क्रीड़ा, पालना झुलाना, ये सारे दृश्य आपको दिखाए जाएंगे। तो आप सब 3 बजे पुनः पारस चैनल पर आएंगे और 6:30 बजे जूम पर। और अब अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन आज के संदर्भ में युवा परिषद की ओर से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अनूप देवी जैन पांड्या, उनके पुत्र श्री मनोज कुमार, पुत्र वधु श्रीमती रश्मि देवी जैन और उनके परिवार से सुहाना जैन, संजय कुमार जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन की स्मृति और स्मृति जैन, समस्त पांड्या और छावड़ा परिवार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इनकी ओर से द्वितीय कलश 1,51,000 रुपये की राशि में लिया गया है। वे, उनका परिवार वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभिषेक करेंगे। और आज के अभिषेक के लोग गए, पहुँच गए क्या? हाँ, तो अभी वो लोग पहुंच जाए, फिर वो अभिषेक करेंगे। और एक नाम 2700 रुपये की राशि में श्रीमती संगीता, राकेश, अभिषेक, राहुल, अंकित, अर्पित जैन शामली उत्तर प्रदेश से एक कलश हुआ है, उनको भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री राजकुमार चंद्रकांता, मनीष, मनोज, पीयूष पाटनी परिवार कलकत्ता से एक कलश, धन्यवाद। श्री महावीर जैन, रोहित जैन, शिखर जैन यहाँ स्वर्ण कलश से अभिषेक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। श्रेयांश जैन, सुधील कुमार जैन गोरखपुर एक कलश, श्री पुष्कर जैन, गौरव जैन, अभिनंदन जैन गोरखपुर से एक कलश, श्रीमती पुष्पा जैन वाइफ ऑफ श्री पारस जैन गोरखपुर एक कलश, श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती कालिंदी देवी जैन गोरखपुर एक कलश, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिन्होंने 2700 रुपये का कलश लिया था उनके नाम की श्रृंखला यहाँ पर पूर्ण होती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पंचामृत अभिषेक प्रारंभ करेंगे, बहुत सुंदर अभिषेक आपको मनोहारी छटा के साथ अब देखने को प्राप्त होगा। दूध का अभिषेक देखेंगे, पुष्प वृष्टि देखेंगे, सर्वसदी का अभिषेक देखेंगे, खूब खूब सामग्री वहां पर एकत्रित है और सुंदर सा अभिषेक आपको अभी देखने को प्राप्त होगा। अंत में शांति धारा होगी। ये पूरा कार्यक्रम हमारा 10:15 बजे तक चलेगा,
ये सीता के साथ घर में बैठ करके पूरा अभिषेक देख लीजिए। काकन्नी से पहली बार आपको 10 साल में पहली बार काकन्नी से अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। अभी तक आपने जलाभिषेक देखा है, अब वो पंचामृत अभिषेक जो आपके सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है। सर्वौषधि से बताते हैं कि सब प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं सर्वौषधि से अभिषेक करने से, ऐसा ग्रंथों के अंदर आया है। दूध से अभिषेक करने के लिए, दूध का जब अभिषेक होता है तो धवल जो कांति है वो शरीर के अंदर प्राप्त होती है। इस प्रकार से एक एक अभिषेक का अत्यंत वैभव, अत्यंत विशालता और अत्यंत उसकी प्रशंसा हमारे आगम के अंदर ग्रंथों के अंदर बताई गई है। वो पंचामृत अभिषेक थोड़ी देर में ही प्रारंभ होने वाला है। एक सूचना आपके लिए यह है कि जम्बूद्वीप स्थल जहां पर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ की विशाल प्रतिमाएं विराजमान है, जो इन तीनों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है, जो तीनों तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान भूमि है, जो तीनों तीर्थंकर भगवान की दीक्षा भूमि है, ऐसी पावन तीर्थ भूमि जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी यहाँ पर विराजमान है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद आपने काकंदी के एक अभिषेक में प्रथम लगभग 8 बजे आपको प्राप्त हो चुका है। और इस स्थान पर यहीं पर ये पक्ष 16 दिन का है, आज से प्रारंभ हुआ है, आज एकम है, पूर्णिमा तक 2 पूर्णिमा है, 16 दिन का पक्ष है, तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लगातार 16 दिन तक शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक, शांति धारा और वो विधान आज किया गया है, कल से भी होगा, लगातार 30 तारीख तक संपन्न होगा। 11,000 रुपये की राशि हमने रखी है, जो भी भक्त ये शांति भक्ति मंडल विधान के लिए 11,000 रुपये की राशि में, मात्र 11,000 रुपये राशि में अपनी ओर से कराना चाहते हैं, विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं, 16 दिन तक लगातार उनके नाम से शांति धारा होगी और 16 दिन तक लगातार उनके नाम पर यहाँ पर शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक पारस चैनल पर आप आनंद के साथ घर में बैठ करके देखिए। ये वैभव, ये महानता आपको प्राप्त होगी। आज 11,000 के 3 नाम हमारे पास आए थे, श्री राजकुमार जी सेठी दीमापुर वाले कलकत्ता की ओर से 1 नाम और श्री राजमल जी संघवी मुंबई की ओर से 1 नाम, बाकी 7 नाम हमने पहले ही घोषित किए थे आज, उनके नाम से अभिषेक हुआ था, ये 2 नाम बाद में आए हैं। तो और भी जिनको अपनी ओर से 11,000 रुपए की राशि में 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान कराने की भावना बने, अपने नाम अभी दे सकते हैं, घोषित हो जाएंगे, अथवा दिन में दीजिए, कल प्रातः काल उनकी घोषणा होगी, अभिषेक में होगी और मंडल विधान में भी होगी, तो इस कार्य में भी आप लाभ ले सकते हैं। श्री मनीष जैन कलकत्ता, शांति धारा के लिए उन्होंने 11,000 रुपए की राशि घोषित की है, आज शांति धारा की जाएगी, 11,000 रुपए की राशि उन्होंने घोषित की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने घोषित किया था कि आज वहां पर रत्नवृष्टि भी होगी, रत्नवृष्टि के लिए 27,000 रुपए की राशि हमने रखी है और 108 रत्न भगवान के चरणों के ऊपर वृष्टि के बाद हम एकत्र करके और 108 रत्न उनको डाक से भेजेंगे, वे रत्न आपकी तिजोरी में रखें, लोगों को दें, भक्तों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, जिनकी भावना हो 27,000 रुपए की राशि में ये लाभ लेने के लिए कुबेर बन करके रत्न वृष्टि ऑनलाइन घर में बैठ करके ही करने का पूर्ण अवसर प्राप्त करें। और पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है, जो भक्त वहां पर आए हैं उनके नाम पंडित सत्येंद्र कुमार जी वहीं से घोषित करें, अब वहां से जोड़ दीजिए काकंदी से, और जिन्होंने पंचामृत के लिए अपने नाम दिए हों, प्रथम कलश हो चुका है और उसके बाद अब आपको करना है रस, शर्करा यानी इक्षु रस, और उसके बाद आपको नारियल का रस ये भी करना है। श्री अभिषेक जैन, शिखर जैन, अरिहंत जैन, महावीर जैन गोरखपुर, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि में दुग्धाभिषेक लिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पंडित सत्येंद्र कुमार जी हमारे प्रतिष्ठाचार्य काकंदी से, जो काकंदी में है, वहां से पंचामृत अभिषेक प्रारंभ कराएं। सत्येंद्र कुमार, जल से भगवान का अभिषेक करने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं श्रीमान सुधीर जी जैन गोरखपुर वाले, अल्पना जैन, और आइए
वैभव जैन, आदित्य जैन, श्री सुधीर जैन, अल्पना जैन, वैभव जैन, आदित्य जैन, भगवान का नारियल के जल से मनोज भाई साहब आ रहे हैं करने के लिए। हमारे बीच में मदार चुके हैं श्रीमान सुधीर जी जैन गोरखपुर वाले, आइए जैन और आइए अभिषेक प्रारंभ करेंगे। पहुंचा ऊपर पहुंचिए, हाँ ऊपर आइए, ऊपर आ जाओ सुधीर जी जैन, आ जाए ऊपर और भगवान का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। चलिए ऊपर पहुंचो, ऊपर वही मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, पहुंचिए। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष वत्स अतुल स्वाद लिए अमल है, स्नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहू प्रभो मुझे वचन इसके सदृश हो। चलिए नारियल के जल से अभिषेक प्रारंभ कराओ, मनोज पुजारी नारियल के जल से अभिषेक दीजिए और प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं दं तं पं पं म्रां म्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं ह्रीं क्षीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। एक नाम श्रीमती रिंकू सेठी, श्री धर्मेंद्र सेठी, श्री निर्मल जी सेठी दिल्ली वालों का एक नाम आया है 2700 रुपए की राशि में, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक कर रहे हैं भगवान के मस्तक पर श्री पुखराज जी, श्रीमती अनोप देवी जैन पांड्या परिवार, श्री मनोज कुमार, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, पूरा परिवार भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने के लिए पहुंच गए हैं। प्रारंभ कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं दं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं ह्रीं क्षीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। इक्षुरस का कलश, इक्षुरस आप ले लो, हाँ जो है वो लेते जाएंगे। इक्षुरस और किसी की भावना हो नाम देने की तो मात्र 5100 रुपया में इक्षुरस के कलश के लिए नाम दे सकते हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे इक्षुरस का। तत्काल पेल करे पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है, हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं दं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं ह्रीं क्षीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इक्षुरस का कलश श्री पुखराज जी, श्रीमती अनोप देवी जैन पंड्या परिवार, इन्होंने इक्षुरस का कलश संपन्न किया और अब संतरा के रस से भगवान का अभिषेक करने की भावना जिनकी भी हो मात्र 5100 रुपया में संतरा के रस से अभिषेक करने के लिए अपना नाम प्रदान कर सकते हैं और उन्हें संतरा के रस से भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। जिनकी भी भावना हो वे अपना नाम दे सकते हैं संतरा के रस से भगवान का अभिषेक करने के लिए।
है किसी की भावना तो अपना हाथ ऊंचा कर देना। संतरा के रस से भगवान का अभिषेक करने के लिए आइए प्रारंभ करेंगे। संतरा का रस, हाँ जो है संतरा का रस से अभिषेक करेंगे भगवान का। लीजिए संतरा का रस, मनोज पुजारी ध्यान दें, संतरा के रस से भगवान का अभिषेक प्रारंभ करो। ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे जम जम वीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। संतरा रसाभिषेकम करोमि नमो अरते स्वाहा। बोलो पुष्पदंत भगवान की जय हो। और घी, इसके बाद घी का कलश घृताभिषेक के लिए जिसकी भी भावना हो, मात्र 5100 रुपए की राशि में अपना नाम प्रदान कर सकते हैं और उन्हें घी का कलश करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस किसी की भावना हो वे अपना नाम प्रदान कर सकते हैं। 5100 रुपए में घी का कलश और ले लीजिए घी का अभिषेक। अत्यंत पुष्टि कर ये ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु हो अतुल्य शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे जम जम ग्रीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो ग्रताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। और घी के कलश के बाद दूध का कलश, दूध का कलश का नाम बता दो। दूध का कलश करने के लिए श्रीमान मनोज जी नाम बताओ एक बार। दूध का कलश लेकर के आगे आएंगे श्रीमान महावीर जैन, रोहित जैन, शिखर जैन सपरिवार दूध का कलश लेकर के तैयार है। चलो दूध का अभिषेक बहुत अच्छे से दिखाना, एक साथ करना पूरा दूध का कलश एक साथ। पूर्णा शशांक किरणों समय कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं काम धेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे जम जम वीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हाँ और भी सब लोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग करो दूध का अभिषेक, बहुत अच्छे से दिखाइए आगे से। ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे जम जम जीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। मस्त का अभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो खुशियों की धार बह रही है नीर चीर धार बह रही है नीर
चिर धार बह रही है कि रुते है नभन की साथी मेरे यारे, कि रुते है नभन की साथी मेरे यारे, हाथों में कलसा ले प्रभु पे डुरारे, रुते है नभन की साथी मेरे यारे। बोले बसंतनाथ भगवान की जय। जय हो। सभी ने दूध का अभिषेक कर लिया है और दूध के बाद दही से भगवान का नवन, दही से भगवान का नवन करने के लिए जो भी भक्तगण हमारे आए हैं, जो भी भक्तगण आए हैं उनमें से किसी की भावना हो दही से भगवान का अभिषेक करने की, दही के लिए पूछ लो एक बार, किसी की भावना हो मात्र 5100 हो वे अपना नाम दे सकते हैं और उनको दधी से काकंदी जन्मभूमि भगवान पुष्पनाथ से विशाल प्रतिमा वहां विराजमान है, उनका अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। बहुत सुंदर दूध की धारा चल रही है, शुद्ध दूध मंगाया गया है और भगवान पुष्पनाथ की प्रतिमा पर कई वर्षों के बाद 10 साल के बाद पहली बार ये अभिषेक आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। अभी हमारे पास जो नाम प्राप्त हुए हैं, रूबी जैन, श्रीमती रूबी जैन, सुशील कुमार जैन, प्रभा जैन चौक लखनऊ से एक नाम 2700 रुपये की राशि का, श्री नीलेश खुशबू देवांश मदन जैन करेली मध्य प्रदेश से एक नाम एक कलश, श्री अशोक कुमार, सचिन कुमार, सौरभ गंगवाल कुचामन सिटी जिला नागौर राजस्थान से एक कलश, श्री भानु प्रकाश मंडू पाटनी सपरवार कानपुर उत्तर प्रदेश से एक कलश, श्री इंदिरा जैन सपरवार जयपुर से एक कलश, डॉक्टर ललिता मदन लाल पहाड़े आड़े अकोला, डॉक्टर लतिका मदन लाल आड़े अकोला महाराष्ट्र से एक कलश, श्री विवेक प्रीति पुलकित जैन हैदराबाद से एक कलश, श्री चारमल शीतल कुमार जयंत भावेश जैन केकड़ी राजस्थान से एक कलश, सौ संगीता वर्धमान काला औरंगाबाद से एक कलश, श्री सुरेश रजनी सौरभ निधि सांदित नायसा मुंबई एक कलश, श्री प्रवीण शिल्पी जीवेश रुचिर पाटनी दिल्ली एक कलश, श्री अंकित नूपू जैन टिमार गर्वित संदिलका फरीदाबाद से एक कलश। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनकी ओर सभी की ओर से कलश वहां पर किया जा रहा है। हाँ ये लाओ हमारे हाथ माइक, माइक पे लगाओ माइक, बीच उनको माइक दिया था, यही तो माइक दिया था। राम राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव जम जम जीम क्षीम हमसा त्रैलोक के स्वामिनो सर्वोषधीय अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। जय हो जय हो। पुष्पदंत भगवान की जय। सभी लोग सर्वोषधि के बाद लाल चंदन से यदि किसी की भावना हो तो अपना नाम हमें प्रदान कर सकते हैं। भगवान का लाल चंदन से अभिषेक करने की भावना यदि किसी की हो तो मात्र 5100 रुपए की राशि हमने यहाँ पर रखी है पंचामृत में। यदि किसी की भावना, अभी सुनो बीच में भैया, बीच में हल्दी का मत करो, अभी हल्दी का मत कराओ मनोज, जो हम यहां से बोले उसका ध्यान रखा करो।
बीच में दूसरा कलश नहीं दिया करे। सर्वोषधि के बाद लाल चंदन से अभी शांति धारा के बाद रत्न वृष्टि यहां पर होगी और वो रत्न आपको परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी 108 मंत्रों से पवित्र करके आपके घर पहुंचाएंगी। यहां पर रत्न वृष्टि की जाएगी और आपके पास रत्न भी आएंगे। दो मात्र 27,000 रुपए की राशि उसके लिए रखी गई है। यहाँ पर आज भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। 27,000 रुपए में जो भी अपना नाम देना चाहे वो अपने हाथ से यहाँ पर रत्न वृष्टि करेंगे, वो रत्न आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे और हस्तिनापुर से विशेष मंत्रों के द्वारा मंत्रित करा के 108 रत्न वो भी आपके घर पहुँचाए जाएंगे। तो जिनकी भावना हो वे अपना नाम दे सकते हैं और आज धन कुबेर बन करके अपने हाथ से यहाँ पर रत्न वृष्टि करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भगवान का पालना भी झुलाया जाएगा। आपको पालने देखो, पालने में भगवान विराजमान है। ये हमारे साइड देखो, हमारे पास ये भगवान यहाँ विराजमान है पालने पर। अभी आपको पालना झुलाने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा और रत्न वृष्टि मात्र 27,000 रुपए में जिनकी भावना हो वे अपना नाम दे दें, उनके हाथ से यही भगवान के सामने रत्न वृष्टि कराई जाएगी। तो जिनकी भी इच्छा हो 27,000 रुपए में अपना नाम हमें दे सकते हैं रत्न वृष्टि के लिए। उनके नाम की घोषणा अभी यहाँ पर की जाएगी और उनके हाथ से रत्न वृष्टि यहाँ पर कराई जाएगी। तो देखो नाम, महावीर जी नाम लेकर के आ जाओ। जिनकी भी रत्न वृष्टि के लिए आज के कुबेर बन करके रत्न वृष्टि भगवान के सामने करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हाँ, चलिए लाल चंदन से भगवान का अभिषेक कराओ। लाल चंदन से भगवान का अभिषेक पहले लाल चंदन के लिए। लाल चंदन से भगवान का अभिषेक हो गया। अब हरिद्रा हल्दी ले लो, हल्दी हरिद्रा से भगवान का अभिषेक। हरिद्राभिषेक ओम रीम। आइए हरिद्राभिषेक ठीक से दिखाना। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झं झं झीं छीं हं सः त्रैलोक्य स्वामिनो हरिद्राभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। और कीजिए आजू बाजू कंधे में भी करो ठीक से। हाँ कीजिए केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया पूजन के भाव केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। जाओ पुष्पदंत भगवान की। हरिद्राभिषेक और हरिद्राभिषेक के बाद हरिद्रा अभिषेक के बाद लीजिए कौर कलश जल का अभिषेक पहले। हाँ हरिद्रा का पूरा कर दो, हरिद्रा से पूरा कर दीजिए। ओम रीम श्रीम क्लीम त्रिभुवन पते हरिद्रा अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। चलिए अब हरिद्रा का नहीं करना, अब जल का करो। जल का कलश हरिद्रा के बाद जल का बड़े कलश से करो। हरिद्रा के बाद जल का करो।
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्य नाथ जिनका अभिषेक करके पाजाऊ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम दम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव जम जम भीम क्षीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कौन कलशाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। इसके बाद चंदन विलेपन केसर केसर लेके आओ और भगवान का केसर से अभिषेक। हाँ केसर से भगवान का अभिषेक और अभिषेक शांति धारा के बाद रत्न वृष्टि होगी और उसके बाद प्रथम पालना जिन किसी की भावना हो आज भगवान का जन्म कल्याणक है प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहे वो भी अपना नाम हमें दे सकते हैं और आज भगवान का सबसे पहला पालना झुलाने का सौभाग्य उनको प्रदान किया जाएगा। तो अगर किसी की भावना हो मात्र 27,000 रुपए में प्रथम पालना का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला पालना झुलाने का सौभाग्य उन्हें प्रदान किया जाएगा मात्र 27,000 रुपए की राशि भगवान के पालने के लिए। अगर कोई सौभाग्यशाली महानुभाव नाम ले देना चाहे भगवान के प्रथम पालने के लिए केसर। हाँ प्रारंभ करेंगे केसर का ओम रीम श्रीम क्लीम हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम दम तम पम पम। आगे लगाओ आगे। हाँ महावीर जी थोड़ा आगे 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 लगाओ आगे।